हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविता की रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को कि आपको सारे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मार्केट में इजीली कच्चे आम मिल रहे हैं, तो आज मैं आम से रिलेटेड कोई रेसिपी बनाने वाली हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं आम की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाने वाली हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। आम की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया हुआ है, उसे मैंने छिलके इस तरह से काट लिया हुआ है। आप लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं और बाकी सामग्रियों के डिटेल और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने गैस पे पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये पचफोरन डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून पचफोरन है। इसमें मेथी, जीरा, राई, सौंफ और मंगरेल है। इसे हम अब तेल में डालेंगे और तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है। हींग को भी अच्छे से हम तेल में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें हम चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं ये। अब इसमें चॉप किया हुआ जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक 1 रेड चिली डालेंगे, तो ऐसे तोड़ लिया है मैंने। और सारी सामग्री को हम तेल में अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। लहसुन को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो कड़वापन आएगा लहसुन का। लहसुन को थोड़ा सा ही हमें पकाना है। लहसुन और पचफोरन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम कटे हुए आम डालेंगे और आम को अच्छे से सारी सामग्रियों में हम मिक्स कर लेंगे। और ये बात आप ध्यान रखें कि जो आम के पीसेस है, आप उसे ज़्यादा बारीक न चॉप करें। ऐसे बड़े बड़े पीसेस में रखें कि जब हमारी आम की चटनी रेडी हो तो आम के पीसेस हमें दिखाई दे। अब सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे कवर करके हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटाएंगे और सारे सामग्रियों को हम एक बार फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं जो आम के पीस का कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम सारे मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इस चटनी में। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम मेजरिंग कप से 1 कप वाटर ऐड करेंगे और वाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, एक उबाल आने तक। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा लेंगे। एक बार इसे हम फिर से चला लेंगे और आम के एक पीस लेके हम देखेंगे कि हमारा आम अच्छे से पक चुका है कि नहीं। मैंने एक आम का पीस ले लिया है। स्पून से काट के इसे हम देखेंगे, हमारा आम पक चुका है। अब इसमें हम 150 ग्राम के करीब गुड़ डालेंगे। ये देसी गुड़ है। आप वाइट गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला से ही चटनी का टेस्ट और बढ़ के आएगा। चाट मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम इसे 2 से 3 मिनट गुड़ के साथ पका लेंगे कवर करके, कि हमारा जो चटनी है वो अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा लेंगे और चटनी को हम एक बार फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो चटनी का कलर है वो चेंज हो चुका है और चटनी हमारी थिक हो चुकी है। और इससे ज़्यादा हम चटनी को नहीं पकाएंगे, क्योंकि चटनी ठंडा होने के बाद वो थिक हो जाएगा।
अब हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गरम गरम रहेगा। और फ्रेंड्स, इसे आप गर्मा गर्म पूड़ी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। ये चटनी का कॉम्बिनेशन पूड़ी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा है। और आप इस चटनी को 10 से 12 दिन तक फ्रिज में करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। और बिना फ्रिज के भी आप इसे एक हफ्ते तक रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।